वालेकुम। आज हम आए बैंक, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये बता दें कि बैंक में जो एटीएम कार्ड हम लोग एक्टिव करते हैं वो किस तरह करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप एटीएम मशीन के बिल्कुल सामने आएंगे, तो आपने सबसे पहले अपना कार्ड जो है ना एंटर करना है, न्यू कार्ड जो है ना एक्टिव करने के लिए आप अपना कार्ड जो है वो एंटर करेंगे। उसके बाद वो आपसे यहाँ पे वो कोड पूछेगा जो आपके मोबाइल के ऊपर आया होगा, पूरे 500 का कोड होगा, वो आपने यहाँ पे लगाना है और उसको यस कर देना है। उसके बाद वो आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और आपने वो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यानी कि अपनी तारीख पैदाइश लिखनी है जो शिनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखी होगी। मैं यहाँ पर अपनी जो है मेरे कार्ड पर मैं वो लिख लेती हूँ। उसके बाद आपने इसको यस का बटन दबा देना है। उसके बाद वो आपसे आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर पूछेगा, आपने जो है शिनाख्ती कार्ड नंबर वो यहाँ पे अपना सारा लिखना है। शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने फिर यहाँ पे जो यस का बटन होगा, अगर तो स्क्रीन टच में होगा पहले यही लगा सकते टच में, लेकिन नहीं तो आपने उसका बटन जो है दबा देना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप अपने कार्ड का पिन कोड क्या रखना चाहते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से आपने कोई 4 जो है ना डिजिट इनसे लिखने अपनी मर्ज़ी से, और उनको आपने दोबारा लिखना है। दोबारा लिखने के बाद 2 दफ़ा लिखना है। उसके बाद आपने इसको यस भी कर देना है, तो आपका कार्ड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अगर आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं तो आप नो कर दें। तो मुझे नहीं करनी थी तो सिंपल मैंने नो कर दिया और ये मेरा कार्ड आ गया बाहर। सो बाय बाय।